भुवन जोशी को कब से जानती हैं? उसको मुझे मतलब 2 महीने मतलब दो करीब 2 महीने हो गए होंगे उसका फोन आता था मुझे को। ये बहुत धमकी देता था, बोलता था कि मैं तेरे घर में आके मतलब तेरे माँ बाप को मार डालूंगा, तेरे घर में जहर पी जाऊंगा, बात नहीं की तो मैं तेरी वीडियो ऐसे वायरल करा दूंगा फेसबुक में, ऐसे ऐसे मतलब बहुत धमकी देता था। तू स्कूल में आ रही तो आ, नहीं आ रही तो मैं तेरे घर आ गई, तेरे घर में आके नान खाऊंगा, तेरे पापा को मार डालूंगा, ऐसी धमकी दे रहा था। मैंने सुनी नहीं और मेरे से बदतमीजी करने लग गया, मेरा दुपट्टा खींचने लग गया और मेरे पीछा करने लग गया। हमारे पास में दुकान है, वहाँ दुकान तक आया, वहाँ मैं मतलब पकड़ के मुझे मतलब गोठ में डाल दिया और मेरी चुन्नी अपने गले में ले लिया और मुझे ज़्यादा जबरदस्ती करने लग गया मेरे साथ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था या जबरदस्ती करता था? जबरदस्ती की वजह से मुझे दबाव में डाला उससे और वो जबरदस्ती यहाँ दारू वारू पी के यहाँ आया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, बोला था तेरे बाप को भी दारू पिलाऊंगा मैं। आपके गाँव वाले आपको बचाने के लिए उसके साथ मारपीट कर रहे थे, तो आपने कुछ प्रयास करा उसको बचाने का या उसके साथ वालों को? प्रयास मैं कैसे करती, मेरा दुपट्टा तो एक उसने ले रखा था, मुझे गोठ में थी, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो कभी उसके किसी यार दोस्त ने भी बात करी आपसे? यार दोस्त ने तो की नहीं, मतलब मैंने ब्लॉक करते गई नंबर, मुझे पता नहीं वो यार दोस्त हैं कौन क्या है। गई कैसे वीडियो में, अभी पूछ रहा हूँ वीडियो कैसे पहुँच गई उसके पास? वीडियो उसने मुझे मजबूरी मतलब बोलता था कि मैं तू मुझे वीडियो नहीं भेजेगी तो मैं तेरे पापा को मुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, उससे मुझे धमकी देता था। सर आप को लेके आए थे, बोले थे तेरे बाप को पिलाऊंगा मैं, न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। अच्छा कभी आपको भी भेजी उसने कोई आपकी अश्लील फोटो या वीडियो आपको भेजी? बात भेजी थी मैंने उसे, बोला मतलब डिलीट कर दी करके, उसने करी नहीं। तो भी आपने उस लड़की का स्टेटमेंट सुना होगा जो कि मेरे को लगता है बिल्कुल झूठा स्टेटमेंट दे रखा है, क्योंकि अभी बताया उसने स्टेटमेंट क्यों दे रखा है ऐसा कि वीडियोस मांग रहा था भाई, क्योंकि अभी उसका चेहरा मतलब मीडिया पर बदनाम हो गया, तो अपने आप को बचाने के लिए इतने सारे फेक स्टेटमेंट बना रही है। लेकिन बहन कब तक झूठ बोलेगी, कभी तो सच बताना पड़ेगा। तो भाई मैं चाहता हूँ ना इस बंदी को भी बहुत से मतलब फांसी लगनी चाहिए यार, इस बंदी को भाई का मर्डर कर दिया यार भाई, मतलब मार दिया बंदे को, तो यार बंदी की जान की कोई कीमत नहीं है क्या भाई? आई होप अल्मोड़ा पुलिस इस बंदी को बहुत बड़ी सजा सुनाए, अगर चाहते हो ना इस बंदी को सजाओ तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और मुझे बताना कि कौन कौन चाहता है।